बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैज़ान पीरसियाल। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, ये सबक आमोज है स्टोरी उन लोगों के लिए जो बज़ाहिरी बहुत सारी गलत चीज़ें बता बता के आप लोगों से पैसे बटोरते हैं, मांगने वाले जो आते हैं, और जब आप उनको देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो बंदा कमा भी सकता है, सब कुछ सही कर सकता है, पैसे कमा सकता है, बाहर जाके जॉब कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा मांग रहा है। तो ये उन लोगों के लिए सबक आमोज़ वाक़या भी है और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तान भी है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हमारी एक बहन जिन्होंने शादी की, तो शादी के बाद उनकी जो शोहर थे, इनकी शादी जो हुई वो मैं आपको बताता चलूं कि इनके घर वालों की रजामंदी से हुई थी, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके घर वालों ने ज़बरदस्ती शायद इनकी ये शादी करवाई थी, जबकि उनको ये पता था कि इनका जो शोहर है वो नशा करता है, ठीक है, और नशा करने में इतना ज़्यादा वो मुबतला था कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। बहुत सारी गलत चीज़ें वो करता है जो कि मैं लफ्ज़ों के अंदर बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ पे इनकी जब शादी हुई तो उस शादी में से ये एक बच्ची भी है, उसने धक्के दे के एक दिन नशे के अंदर, नशे की हालत में आके इनको घर से निकाल दिया। ये बेचारी घरों के अंदर काम करती थी और काम करके जो भी पैसे लाती थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, हम अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना सकें। लेकिन इनका जो शोहर था वो उन पैसों से नशा ख़रीदता था और नशा करता था। मैं ये लफ्ज़ बार बार दोहराना नहीं चाहता, तो आए इनकी ज़बान से ही इनकी कहानी सुनते हैं और आप लोगों ने इनकी पूरी स्टोरी को ज़रूर देखना है और उसके बाद फिर अपनी राय का इजहार भी करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जीवा जी, बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया है। और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा नाम गुजरांवाला से ताल्लुक है। अच्छा, गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है। आप अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, आपकी जब शादी हुई तो शादी कितने अरसे तक आपकी शादी रही? मेरे यानी कि 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। 18 साल की एज में आपकी शादी? मेरे माँ बाप को सब ने मना किया था, ये नशेई मर्द है, इससे इसकी शादी ना करें, ये बच्ची उम्र भर धक्के खाएगी। मेरे अम्मी अबू ने कहा नहीं नहीं, हमने ज़ुबान दे दी है, हम ज़ुबान से फिरेंगे नहीं, तो इसकी शादी करनी है, इसको शादी कर देनी है। उन्होंने शादी कर दी, कुछ अरसा जो है ना बिल्कुल ठीक रहा, कि जितनी देर तक पैसे थे उतनी देर तक बिल्कुल ठीक रहा। और वो पैसे आप कमाती थी? वो मैं कमाती थी, मेरा जेवर था कुछ, उसने वो चोरी छुप के मैंने रखा हुआ था अपने पास, चोरी छुप के उसने निकाला, वो बेचा, जब तक वो चलता रहा तो घर चलता रहा। उसके बाद अक्सर लड़ाई होती कि तुम्हारे पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नवाजी, फिर बेटा नवाजा, फिर ये जैसे कि घर के तल हर अखराजात ये वो सब, मतलब जब कि आपके बच्चे पैदा हुए तो आपके अखराजात बढ़ गए। सही है। तो मैं, मेरी सास कहती कि अब हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं, तो तुम जो है ना रेंट पे मकान लो और जाके गुजर बसर करो। मैंने कहा मैंने नहीं अम्मी जाना, क्योंकि मैंने घर में रहना है, कि ये तो नशावार आदमी है, तो ये मुझे कहता है कि तुम इस तरह जाके तो गलत काम करके तो ला के दो, मैंने नहीं करना। अच्छा, ये इससे मैंने मर जाना। बताइएगा कि नशे की हालत में आपको ये भी कहता था कि आप गलत काम करें, गलत काम करें और गलत काम करके पैसा ला के, पैसा ला के दो, मैं नशा करूँ। तो मैं कहती थी मैं अखराजात इसलिए करती हूँ काम, कि मैं अपने बच्चों का पेट पालूं, अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। फिर इस तरह इन्होंने कहा कि नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चे लो, बेटी ले, हमें दे दो, बेटा तुम ले जाओ, ये कमाएगा तो तुम्हें खिलाएगा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने कहा नहीं, अगर आपने रखनी है तो दोनों चीजें रखें, नहीं तो दोनों मुझे दे दे। उन्होंने कहा नहीं जी बेटी हमने रखनी है। मैंने छोटा सा बच्चा था वो दे दिया। घर जब अलादगी मेरी हो गई, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा तलक ना रखा, फाबियाँ थी, झगड़ती थी, सब कुछ था। अच्छा, बहुत परेशानी। जब आपको आपके शोहर ने तलाक दे दी जी, उन्होंने आपको तलाक दे दी, तो फिर आप उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद मैं अपने घर गई, अपने वालदैन के घर, माँ बाप के पास जी। माँ बाप ने अच्छा, बाप जो है ना गुस्से और खफा और लड़ाई झगड़े इस तरह, बाप भी आपसे गुस्से में हो गया कि वैसे बातें करना के ऐसे है वैसे, या फिर हम पे बोझ बन गई है। मैंने चुप करके अपने दो चार कपड़े लिए, घर से कुछ नहीं लिया, दो चार कपड़े लिए, चुप करके निकल आई। मतलब आप अपने बाप के घर से निकल आई? बाप के घर से निकल आई। एक बच्ची थी बस जी।
तो ये है कि इस तरह फिर आ गई इधर, इधर आके तो मैंने जो है ना मेरे नाका एक कोका था सोने का, वो मैंने बेचा और किराया दिया, किराया देके तो इधर आके जिंदगी बसर करने लगी। इधर काम नहीं था मिलता, कभी कुछ कभी कुछ, कहते थे छोटी को घर छोड़ के आओ, अगर मैं लेके जाती हूँ साथ तो बाहर गराज में बिठा देते हैं। मैं इतनी परेशान होती हूँ, मेरी बच्ची को कभी भूख लगती है कभी प्यास लगती है, बहुत परेशान हूँ। इस वजह से मेरा दिल इतना कामता था कि मेरी बच्ची बाहर बैठी हुई है तो मैडमों के काम ख़त्म करके तो फिर मैं अपनी बच्ची को पकड़ूँ, इससे बेहतर मैं क्या करूँ। मांगती थी तो लोग कहते थे तुम हट्टी कट्टी हो, काम करो, ये है वो है, चलाओ हम तुम्हें काम देते हैं, दे दे मैडम आप काम। काम क्या, डबल पोशन का काम करना है, सफाई भी, डस्टिंग भी, पोछा भी, कपड़े भी, सब कुछ, उसका 7,000 रुपया, जिसका मैं घर का रेंट भी देती हूँ, बिल भी देती हूँ, पानी भरना, नलके से लेके आना, उसका भी महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे आते हैं 1,000-1,200, वो भी मैंने देने होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैं कैसे गुजर बसर करूँ। ये कबाड़ पे मुझे मशीन मिली थी, इसने मुझे पहले जो है ना, मैंने इसको 2,000 दिया, ऐसा ऐसा करके मैंने ये 5-6 महीनों के अंदर उसके पैसे उतार दिए हैं, इसी तरह मेहनत मजदूरी करके। अब जो है मेरे पास ठैया नहीं है कि मैं इस मशीन को बाहर लेके जाऊं, बाहर कहीं रख के, आप बाहर कहीं रख के, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को घर छोड़ के जाती हूँ किसी के घर, तो मैं रोजाना जाके तो अपनी मेहनत से अपने हाथों से कमा के तो लेके आती हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरी बच्ची को पीछे क्या होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे रेड़ी मिले तो मैं अपनी रेड़ी पे एक इस तरह की सीट रखवाऊं जहाँ पे मेरी बच्ची मेरे पास रहे, मैं अपनी बच्ची को अपने पास रखूं और मुझे कोई ठेला सा मेरी जगह बन जाए और मैं उधर जो है ना ये बेचूं और अपना घर का गुजर बसर कर सकूं और हर मुश्किल मेरी जो है ना वो आसान हो जाए। महीने बाद मेरा रेंट आता है, बिजली का बिल आता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी पैसे पूरे हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, कभी उनसे कहती हूँ कि फिर ले लेना। इस तरह मैं गुजर बसर करती हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है, ना माँ बाप, ना ससुराल वाले, ना कुछ, सिर्फ मैं हूँ, मेरी बच्ची है। घर बनाती बनाती सारी जिंदगी सिर्फ इसी तरह बेघर ही हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना इसी तरह कोई अपना मकान बनाऊंगी तो अपनी बच्ची के लिए। यानी कि इस टाइम आप चाहते हैं कि आपको एक रेडी मशीन, एक मशीन के लिए रेडी मिल जाए और उसका जो है ना मैं। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने इनकी पूरी स्टोरी सुनी, ये सबक आमोज इसलिए मैं कह रहा था, मोटिवेशनल इसलिए कह रहा था कि आपको पता है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर जो मर्द हजरात होते हैं उनको तो जॉब भी मिल जाती है, अगर कहीं पे मर्द को जॉब नहीं मिलती तो वो कुछ ना कुछ करके घर से बाहर जाके कमा लेता है और कमा के अपना घर का सरकट चला लेता है। लेकिन हमारा ये जो मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब उसके सर पे कोई साया नहीं होता। अभी आपने सुना कि इनके शोहर ने जब इनको निकाल दिया तो उसके बाद इनके जो वालदैन हैं, हालांकि वालदैन तो जन्नत होते हैं औलाद के लिए, और उन्होंने भी इनको अपने घर से निकाल दिया ये बोलकर कि तुमने वहाँ अपना घर नहीं संभाल सकी हो तो अभी हम पे बोझ बन गई हो। समझ रहे हैं, आपने पूरी स्टोरी सुनी। तो मोटिवेशनल ये इसलिए कि इन्होंने उसके बाद जिस तरह लोग गलत काम करते हैं नाउज़ बिल्ला और लोगों से मांगते हैं, इन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया, इन्होंने घरों के अंदर काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से इन्होंने एक मशीन पॉपकॉर्न बनाने वाली, जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, इसके अंदर मैं वीडियो ऐड कर दूंगा उस पॉपकॉर्न मशीन की, वो इन्होंने अपने घर रखी हुई है और वहाँ से ये पॉपकॉर्न बनाती हैं और सुबह ये निकलती हैं और शाम तक वो पॉपकॉर्न ये सेल करती हैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए और ताकि ये अपनी जिंदगी अच्छी बसर कर सके। पढ़ाना चाहती हूँ, लिखाना चाहती हूँ, अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं धक्के खा रही हूँ आगे मेरी बच्ची भी ये इसी तरह धक्के खाए, लोगों के काम करे, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बच्ची पढ़े। और दोस्तों इस टाइम इनके पास एक मशीन है लेकिन ये जब भी जाती हैं घर से बाहर तो ये अपनी बच्ची को साथ पड़ोस वाले घर के अंदर छोड़ के जाती हैं और ये सारा दिन इसी टेंशन में होती है। जारी बात है, माँ है ना, माँ को तो औलाद की टेंशन होती है, सारा दिन टेंशन में रहती है कि मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरी बच्ची क्या कर रही है। मुझे यही होता है कि मेरी बच्ची पता नहीं भूखी है, पता नहीं उसने कुछ खाया, हालांकि वो बड़ा ख्याल रखते हैं, फिर भी मेरा दिल जो है ना यही कहता है पता नहीं उसने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ किया, क्या किया, कैसे वो रहती होगी, पता नहीं उसको दूध मिला कि नहीं मिला,
तो इसलिए मैं आपसे आज जाना गुजारिश करती हूँ कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दें कि मैं अपनी रेडी जो है ना बना के अपनी बच्ची को साथ रखूँ और अपना गुजर बसर करूँ। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं जिन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, मैं सब दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि इस बहन की मदद की जाए। इनको एक रेडी चाहिए, एक ठेला जिसको हम कहते हैं, जिसकी मालियत 10 से 15 हज़ार रुपये। अगर कोई भी ऐसा भाई जो इनकी मदद करना चाहे, इनको एक रेडी लेकर दे दे ताकि ये एक जगह पर बैठ के अपनी बेटी को भी साथ रखें और वहाँ पर ये अपनी रोज़ी कमा सकें। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाया जा रहा होगा और इस एक साइड पर मेरा अपना चैनल का नंबर है और एक साइड पे इनका नंबर है। मैंने अपना चैनल का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर हमारे वसीले से इनकी हेल्प होती है तो हम फिर दोस्तों को दोबारा से दिखाएंगे कि ये देखें जी इनकी दोस्तों ने मदद की है और माशाल्लाह से ये अपनी रोज़ी कमा रही हैं। और कोई बंदा अगर डायरेक्ट भी इनसे रब्ता करना चाहता है तो इनका नंबर भी साथ में दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको एक ठेला चाहिए, ठीक है, ताकि इनको एक जो है ना वो रिज़्क का एक ठिया इनका बन जाए। तो कोई भी आप में से मुखय्यर हज़रात जो इनकी मदद करना चाहता हो तो जैज़ कैश और इजी पैसा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं बाहर से भी इनसे भेजना चाहते हैं तो दोनों नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से भी आप कांटेक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों को ज़रूर देख लिया करें, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी इसमें खुश होता है। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, आपका मेज़बान हाफिज़ अली हसन सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।